नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का सितारगंज दौरा। सितारगंज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के स्वागत में सितारगंज के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए और एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सितारगंज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। वहीं नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार केवल और केवल गरीब को उजाड़ने का काम कर रही है। चुनाव से पहले जो सरकार बसाने की बात कर रही थी, आज जगह जगह गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। इसी के साथ कारण मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने खनन माफियाओं को जो चोर हैं, दिक्कत हैं, जो रेता बजरी चुराने का कार्य करते हैं, उन पर लगने वाले आर्थिक दंड को तो कम कर दिया, लेकिन जो गरीब 30-40 साल से अपने घर को मकान बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, दशकों से वह स्थायी निवासी है, उनको बसाने की बजाय उजाड़ने का काम कर रही है। करण मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी को उजाड़ रहे हो तो उसको आरकारी सहायता भी देना सरकार का काम है। उन्होंने अंत में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को केंद्र व राज्य सरकार उजाड़ रही है, वे लोग कहां जाएंगे। उन्हें उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। इसी बीच नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के सितारगंज दौरे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आने वाले चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव के लिए जी जान से मेहनत करके सितारगंज के चुनाव को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। सितारगंज संवाददाता बित्तू अंसारी की रिपोर्ट। मेरा काम है कांग्रेस के वर्कर को जागृत करना, उसको अवेयर करना। हम इनको एम्यूनेशन दे रहे हैं और पूरी ताकत से मेहनत करा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सितारगंज ही नहीं, हम उत्तराखंड में इतिहास बदलने का काम करेंगे। आगे भी हमने प्रदर्शन किया था, हम विपक्ष है और हमारा काम लड़ने का, हम लड़ रहे हैं। अभी 7 तारीख को हम किच्चा में एक बड़ा प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें हमारे को किसान साथी भी हमारा समर्थन करेंगे। इस सरकार ने गरीब का शोषण कर दिया है, ऐसा लगता है गन्ना पिरोने की मशीन लग गई है इस देश में, इस राज्य में। गरीब का खून पसीना निचोड़ के रख दिया इस सरकार ने। आपने G20 का क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, गांव को सजाया जा रहा है एक गांव को, और उनमें रंग रोगन करके G20 की टीम को ले जाया जा रहा। जो सांसदों ने एक एक गाँव गो दिए थे मोदी के कहने पर, क्या वो गाँव इस लायक नहीं बने कि G20 की टीम को वहां ले जा सके। मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार से पूछता हूँ, उन 5 गाँव का क्या हुआ, उन 5 गाँव में G20 की टीम को क्यों नहीं ले जाया गया, ये मेरा प्रश्न है। और ये ऐसी सरकार इस समय आई है मेरे भाई कि जिन्होंने खनन माफिया को, जो चोर हैं, डकैत हैं, जो रेता बजरी चोरने का काम करते हैं, उन पर लगने वाले आर्थिक दंड को तो कम कर दिया, 15-18 का 12 और 12 का 7 रुपये कर दिया। लेकिन जो गरीब अपनी छत के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके पास 40-30 साल से जो बसा है उसको बेघर करने का काम हो रहा है, क्यों नहीं उनके लिए बसा सकते, लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करते, उनको बसाने का काम। बड़ा ढोल पीट रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्यों नहीं आवास उपलब्ध कराते इन गरीबों को, इनको भूमि उपलब्ध कराए और इनको आवास उपलब्ध कराए। इस प्रदेश की केवल 10-11% भूमि जो है काश्तकार के पास है, बाकी भूमि वन भूमि है या बेलाग भूमि है। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ बसेंगे। तो ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, उजाड़ने से पहले बसाने की बात करने वाले लोग होने चाहिए। और हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम गरीब के और मजलूम के साथ खड़े हैं, उनकी इस लड़ाई को पूरी तरह से दिन पर दिन संगठित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और जो करण मेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें ऊर्जा है, ताकत है। निश्चित तौर पर करण मेहरा जी जो हैं भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने जो संचार किया है, एक पावर का संचार किया। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में जोश की भावना भरी है। आने वाला चुनाव निश्चित तौर कांग्रेस का सुनहरा दिन आ रहा है और आने वाला चुनाव कांग्रेस का होगा।